हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रीता। वेलकम टू बैक माय चैनल रीताज ढाबा। आज हम बनाने जा रहे हैं कढ़ी पकौड़ा विद ए ट्विस्ट। हमारे इंडिया में बहुत तरह की कढ़ी खाई जाती है, महाराष्ट्रन कढ़ी, सिंधी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी, कढ़ी पकौड़ा, जो सभी जानते होंगे आप। लेकिन उसमें आज जो मैं बनाने जा रही हूँ उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है और उसे हम कहेंगे कढ़ी पकौड़ा विद तड़का। इट मीन्स तड़का कढ़ी पकौड़ा जो घर में बेसिकली हमारे होता है उन्हीं से वो बन जाएगा। ज़्यादा चीज़ों की इसमें ज़रूरत नहीं है, मेनली बेसन और छाछ होगा। तो चलिए बनाते हैं कढ़ी पकौड़ा विद तड़का। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन्स। अगर आपको ये पसंद आया तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर 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 बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कढ़ी पकौड़ा विद तड़का। कढ़ी बनाने के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी वो हैं इस तरह से। सबसे पहले छाछ, ये मैंने 2 पैकेट छाछ लिया है, ग्राम फ्लोर या बेसन लगभग 200 ग्राम, टर्मरिक, रेड चिल्ली पाउडर, सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला, सोडा, ऑयल पकौड़े तलने के लिए और तड़के के लिए देसी घी, ये सब चीज़ें हम तड़के में डालेंगे अपनी कढ़ी में। जीरा, मेथी, हींग, राई, साबुत लाल मिर्च, चॉप्ड किया हुआ अनियन, गार्लिक और तेज़पत्ता। सबसे पहले कढ़ी का बैटर बनाने के लिए एक बाउल लें और उसमें 5 से 6 बड़े चम्मच बेसन ऐड करें। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें 1/2 टेबल स्पून हल्दी, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/4 टेबल स्पून मिर्च और 1/4 टेबल स्पून गरम मसाला डाल देंगे और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें थोड़ा सा छाछ डालकर इसका एक पेस्ट टाइप बनाएं। थोड़ा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर हम पूरा छाछ एक साथ डाल देंगे तो बेसन में लम्स पड़ जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा सा छाछ डालने से अभी हमने एक स्मूथ बैटर बना लिया है इस तरह से। अब जो बाकी बचा हुआ छाछ है वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरह से और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है दोस्तों और खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, इजीली बन जाती है, ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं होती इसमें। ये देखिए कंसिस्टेंसी हम अपने बैटर की इस तरह से रखेंगे। बाद में हमें ज़रूरत होगी तो हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। अब एक कढ़ाई को गैस पर रखें और उसमें तेल गरम करने के लिए रख दें पकौड़ों के लिए। और अब हम पकौड़ों का बैटर बना लेते हैं। उसके लिए एक बाउल में मैंने 5 से 6 स्पून बेसन ऐड किया है। आपको जितने पकौड़े बनाने हैं आप उतने बेसन ऐड कीजिए। आपको ज़्यादा पकौड़े पसंद हैं तो आप ज़्यादा ऐड कीजिए, कम पसंद है तो कम। अब इस बेसन में हम 1/2 टेबल स्पून हल्दी ऐड कर रहे हैं, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 रेड चिल्ली पाउडर और 1/2 टेबल स्पून नमक और थोड़ा सा इसमें हम खाने वाला सोडा ऐड करेंगे, लिटिल पिंच ऑफ सोडा। ये देखिए इस तरह से। अब इनको मिक्स कर देंगे। मैं हाथ का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसी में कंफर्टेबल लगता है, आप स्पून का यूज़ कीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्मूथ बैटर बना लेंगे पकौड़ों के लिए। ये देखिए इस तरह से। इस तरह से गोल गोल घुमा के अच्छे से उसको स्मूथ बैटर बना लें। एक थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ मैं। ज़्यादा
थिक पेस्ट टाइप हमें नहीं रहना है, नहीं तो हमारे पकोड़े हार्ड बनेंगे फिर। बस एक स्मूथ पेस्ट बनाना है इस तरह से। अच्छे से इसको मिक्स करें। मुझे थोड़ा सा अभी लिक्विडी लग रहा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेसन और ऐड कर रही हूँ इस तरह से। अब इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है पकौड़ों के लिए। आप इसमें चॉप्ड अनियन, कोरिएंडर या आलू छोटे छोटे चॉप्ड किए हुए भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे घर में इसी तरह पसंद करते हैं तो मैं ये प्लेन ही बना रही हूँ। मैं देखिए इस तरह का बैटर हमें चाहिए होगा। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब पकौड़े बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए बहुत आराम से बनाइएगा, क्योंकि तेल बहुत गर्म है, आपका हाथ भी जल सकता है। स्लोली स्लोली धीरे धीरे एक एक पकौड़ा इस तरह से कढ़ाई में डालते रहें। साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आपको बड़े पसंद हैं तो आप बड़े बनाइए, छोटे पसंद हैं तो छोटे बनाइए। ये देखिए हमारे सारे पकौड़े बनकर रेडी हैं, और इसमें ऊपर देखिए होल भी हो गए हैं, इसका मतलब है ये पकौड़े बहुत ही सॉफ्ट बनने वाले हैं। ये जो हमने मीठा सोडा डाला था ये उसकी वजह से हुआ है, उसको स्किप ना करें बिल्कुल भी। धीरे धीरे करछी से अब इन्हें दूसरी साइड पलट देते हैं, ताकि ये हमारे चारों तरफ से सिक जाएं अच्छे से। ये देखिए, लेकिन बहुत ही आराम से और सावधानी से पलट रहे। और इनको धीमी आंच पर ही पकाएं, ज़्यादा तेज आंच ना करें, नहीं तो ये जल भी सकते हैं। गैस की फ्लेम मीडियम ही रखें और धीरे धीरे इनको पकने दें। ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे पकौड़े एक प्लेट में अलग से निकाल लिए हैं। अब कढ़ी के तड़के के लिए एक कढ़ाई में थोड़ा सा तेल लेंगे, लगभग 4 स्पून मैंने तेल ऐड किया है। अब इसमें मेथी डाली है, 1/2 टेबल स्पून आप मेथी लीजिए। 5-6 मैंने ये साबुत लाल मिर्च डाली हैं, और 1-2 मैंने बचा लिए भात के तड़के के लिए। फिर इसमें जीरा ऐड किया है, थोड़ी सी राई और थोड़ा सा हींग। अब इसको अच्छे से हम सौते कर लेंगे। ये देखिए हमारी जो मिर्च है वो ब्राउन होने लग गई है। इस टाइम हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे और अच्छे से इसको भूनेंगे। गार्लिक को जो गार्लिक नहीं खाते हैं वो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें जो हमारी चॉप्ड अनियन थी वो भी हम ऐड कर देंगे। गार्लिक हमारा भुन चुका है लगभग। ये चॉप्ड अनियन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और थोड़ी सी अनियन मैंने बचा ली है देसी घी के तड़के के लिए। अब इस अनियन को भी हम अच्छे से भूनेंगे, तब तक ये गोल्डन ना हो जाए। ये देखिए हमारी अनियन लगभग भुन चुकी है, इसको बीच बीच में चलाते रहें, नहीं तो ये ज़्यादा जल जाएगी। अब जो हमने कढ़ी का बैटर बनाया था उसको ऐड करेंगे। उससे पहले मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी ऐड की है, ताकि ये जो अनियन है उसका कलर भी येलो हो जाए। अब इसमें ये पूरा हम बैटर
बहुत सावधानी से डालेंगे। ये देखिए इस तरह से पूरा ऐड कर देंगे इसमें और इसको अच्छे से चला देंगे। अगर आपको यहाँ ज़रूरत महसूस होती है कि ये ज़्यादा थिक है तो आप पानी ऐड कर सकते हैं, जितनी आपको इसकी थिकनेस चाहिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड करें, क्योंकि हमारा बेसन पकेगा और वो फूलेगा तो ये थिक हो जाएगा और भी बैटर कढ़ी का, तो इसलिए पानी आप जितना ऐड कर सकते हैं कीजिए। ये मुझे अभी भी थोड़ी थिक लग रही है। तो मैं इसमें इस टाइम भी पानी ऐड कर रही हूँ, आप कर सकते हो, नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको ये थिक लग रही है तो आप इसमें पानी ऐड कर दीजिए थोड़ा सा। ये देखिए मैं इसमें पानी ऐड कर दिया है थोड़ा सा। अब हमारी कढ़ी पक रही है, बबल्स आने इसमें शुरू हो गए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हमारा छाछ खट्टा होगा तो ये उबल भी सकती है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान रखें कि छाछ ज़्यादा खट्टा ना हो। ये देखिए इसमें अच्छे से ये बबल्स हमारे आने लग गए हैं। अब मैं इसमें ये जो हमने पकोड़े बनाए थे कढ़ी के लिए वो ऐड कर रही हूँ। ये सारे पकोड़े इसमें हम ऐड कर देंगे और इनको भी एक करछी से चलाकर लगभग 10 मिनट और पकाएंगे हम अपनी कढ़ी को। कहते हैं कढ़ी जितनी पकती है, कढ़ती है, वो उतनी ही टेस्टी बनती है। तो धीमी धीमी आंच पर इसको कढ़ने के लिए रखें थोड़ा सा। ये देखिए अभी बन चुकी है, तो हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे। किसी को इस तरह की कढ़ी भी पसंद है तो आप ये भी खा सकते हैं, लेकिन मुझे एक एक्स्ट्रा तड़का चाहिए तो मैं उसके लिए प्रिपरेशन करती हूँ। एक अलग से पैन लेंगे और उसमें देसी घी डालेंगे 3 से 4 चम्मच। अब इसको गर्म होने देंगे और इसमें हम अपने तेज पत्ता जो है वो छोटे छोटे पीस करके डाल देंगे, और जो हमने लाल मिर्च अपनी बचाई थी सूखी लाल मिर्च वो भी ऐड कर देंगे, और जो भी हमारे ये तड़के वाले मसाले बचे थे उनको भी इसमें डाल देंगे अभी। ये देखिए मैंने सब डाल दिया है, जो भी जीरा राई हींग बचा था वो डाल दिए हैं, और इनको थोड़ा सा हम सौते करेंगे। ये देखिए इस तरह से। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, बहुत ही सिंपल, लेकिन इस तरीके से आपकी जो कढ़ी है उसका टेस्ट 4-5 गुना बढ़ जाएगा। ये देखिए अभी मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी और जो हमारी प्याज बची हुई थी वो भी डाल दी है, और इसको हल्का सा भूनेंगे हम लगभग 1 मिनट, बहुत है, आप 1 मिनट भूनें और जो हमारी कढ़ी है उसको इसमें डाल दें। बहुत आराम से डालिएगा। ये देखिए हमारी तड़का कढ़ी पकौड़ा रेडी है। आप इसका कलर देखिए, इसका टेक्सचर देखिए, ये आपसे सभी घर में दोबारा दोबारा मांग के खाने वाले हैं पक्का से। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूलें प्लीज़। ये देखिए हमारी कढ़ी पकौड़ा विद तड़का रेडी है। अब इसको एक बाउल में निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से। लाल मिर्च ऊपर से एक डालें। ये देखिए इस तरह से। लेकिन डाल
किसी को भी सर्व करने से पहले आप इसमें थोड़ा सा देसी घी ऊपर से डाल दें, उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा। आप चावलों के साथ इसको खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, लेकिन चावल के साथ करी बहुत टेस्टी लगती है। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर से मिलते हैं, बाय।